वकील ने लोको होशियार अने चतुर समझता होय छे, परंतु घणी वखत आवा चतुर लोको पण छेतराई जता होय छे। आ घटना अमदावादनी छे। अहीं एक महिला वकील ने आरोपी साथे इश्क थयो, पछी शुं थयुं तेनी आ कहानी छे। आरोपी साथे इश्क, वकील साथे विश्वासघात, न मळी पत्नी के न मळी प्रेमिका। विश्वासघात गमे तेनी साथे थई शके छे, एवुं नथी के अभण अने अजाण्या लोको साथे थाय छे। गमे तेनी साथे आवी घटना घटी शके छे। अहीं एक वकील युवती साथे विश्वासघात थयो छे। आजनी कहानी फिल्मी कहानी जेवी छे। जो तू मारा छूटाछेड़ा अपावी दे तो हूँ तारी साथे लग्न करीश, आरोपीए आवी वात वकील युवती ने करी हती। आरोपी ने तेनी पत्नी साथे छूटाछेड़ा जोईता हता, तेनो केस कोर्ट में चालतो हतो। आरोपी कोण छे तेनी विगत जोईए। कोण छे शातिर आरोपी, केवी रीते वकील साथे विश्वासघात कर्यो? दृश्योमां देखातो आ छे पंकज मकवाणा। पंकज सामे वाडजमां फरियाद नोंधाई छे। शहेरमां रहती अने वकीलात करती एक युवती साथे तेणे लग्ननी लालच आपीने गेस्ट हाउसमां लई जई बलात्कार गुजार्यो। भोग बननार युवती ज्यारे इंटर्नशिप करती हती त्यारे छूटाछेड़ानो केस आव्यो हतो। ते केस लईने आवनार आरोपी पंकजने छूटाछेड़ा अपावी देशे तो तेनी साथे लग्न करशे तेवी लालच आपी हती। वकील युवती आ युवकनी वातोमां फसाई गई अने बादमां आरोपीए लग्ननी लालच आपीने बलात्कार गुजारता युवतीए न्याय मेळववा पोलीस फरियाद करता पोलीसे तपास शुरू करी छे। पीड़िता वकील केम छेतराई गई? भोग बननार युवती फेमिली कोर्टमां वकीलातनी प्रेक्टिस करे छे। आरोपी साथे एक वर्ष पहला युवतीनी इंटर्नशिप दरमियान मुलाकात थई हती। ए समय भोग बननार युवती सीनियर वकील साथे काम करती हती। आ समय दरमियान आरोपी छूटाछेड़ानो केस लईने आव्यो। पीड़िता एक सीनियर एडवोकेट साथे काम करती हती। आरोपी ने छूटाछेड़ा जोईता हता तो तेनी पत्नी थी कंटाळी गयो हतो। आरोपीए पीड़ित वकील ने एवुं कह्युं के जो तू मारा छूटाछेड़ा अपावी दे तो हूँ तारी साथे लग्न करीश। पीड़िता आरोपी नी वातमां आवी गई। थोड़ा समय बाद आरोपी पंकजे पीड़िता ने तेना नंबर आप्या अने बन्ने वच्चे वातोनो दौर चालू थयो। थोड़ा समय बन्ने दोस्त रह्या। बादमां हैवान पंकजे पीड़िता ने लग्ननी लालच आपी गेस्ट हाउसमां लई गयो अने त्यां पीड़िता साथे बलात्कार कर्यो। पीड़िता ने एवुं लाग्युं के तेनी साथे विश्वासघात थयो छे, आ माटे पोलीस फरियाद करी छे। पोलीसे आरोपी ने झड़पी जेल भेगो करी दीधो। मकवाणा करीने छे जे सफाई कामदार तरीके फरज बजावे। હવે આ ભોગ બનનાર બેનનું જે કથન છે મુજબ એ જે હોટલમાં એમની સાથે જે દુષ્કૃત્ય થયું છે ત્યાંથી પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવશે અને બાકી જે વૈજ્ઞાનિક ડબે તપાસ કરી અને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે। આરોપી પીડિત યુવતીને અસલાલી પાસે ગેસ્ટ હાઉસમાં લઈ ગયો અને ત્યાંના ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવા મેળવી હવે પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી તપાસ શરૂ કરી છે। ત્યારે પ્રેમમાં પાગલ બનતી યુવતીઓએ આ કિસ્સા પરથી શીખ મેળવવી જરૂરી બની રહેશે। આજકાલ લોકો સ્વાર્થી થઈ ગયા છે, પોતાના સ્વાર્થ માટે ગમે તેવા સ્વાંગ રચી શકે છે। માટે નવા સંબંધો બાંધતા પહેલા એક વખત વિચાર કરવો। કેમેરામેન સિદ્ધાર્થ આચાર્ય સાથે અનિતા પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।